नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल नमस्कार जी, जिस तरीके से नमस्कार। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत जो योजना है वो पहल काफी अच्छी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि जो पूर्व की कमियां हैं उसे हमें दूर करना चाहिए। सिर्फ बात नहीं, काम भी करना जरूरी है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मेक इन इंडिया में जिस तरीके से हमने देखा कि देश को उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए विदेशी निवेशों पर निर्भर होना पड़ा था, वैसा ही होगा इस बार भी? नहीं, मुझे लगता है जो पहले जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी जी उसमें कुछ कमियां थी, और जो हमारे को बेसिकली हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, मीडियम उद्योग कहते हैं, उन सबको उनमें ज्यादा काम होना चाहिए, जी उनको ज्यादा मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता थी, तो वहां पे कुछ कमी नजर आ रही थी। तो इस बार आत्मनिर्भर भारत में सरकार का सबसे बड़ा प्रयास ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता होती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और लॉजिस्टिक्स, इन सब चीजों पे सरकार ने बहुत ध्यान दिया है ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है वह भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, आराम से वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ काम कर सके, और यह चाहे उसको सरकारी परमिशन की आवश्यकता हो, टैक्स कंप्लायंस की हो, तो एक 360 डिग्री का एक बड़ा अप्रोच है ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट इकोसिस्टम मिल सके, जिससे विदेशी कंपनियां जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं जी उनको भी फायदा हो, और जो भारत के जो उद्योग हैं वह लोग भी अपने आप फल फूल सके, चाहे उसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ड्यूटी बढ़ा के जो जो अनइक्वल डंपिंग वगैरह के कारण जो कुछ कंट्रीज के साथ आसपास के प्रॉब्लम आती थी उनको भी टैकल किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से है, लो कॉस्ट इम्पोर्ट के द्वारा जो डंपिंग के कारण मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होता था भारत का, उनको उसका भी प्रोटेक्शन है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए उन सब में भी मजबूती सरकार प्रदान करने का प्रयास कर रही है, और साथ में विदेश से जो कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से डेवलपमेंट हब बनाने की जो बात है उन लोगों को भी उसमें सहायता मिले, और ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन में हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंटीग्रेट कर जाए हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को, तो हम ग्लोबल इकोनॉमी में अच्छी तरह से उसका लाभ उठा पाएंगे। जी जिस तरीके से अभी आपने बात की डंपिंग के केसेस को लेकर, सबसे ज्यादा हमने देखा है कि हमारे देश में चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका डंपिंग होता है, उसके प्रोडक्शन को चीप रेट में वो हमारे देश में आ जाते हैं और हमारे जो सेक्टर्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज है जो उस चीज का प्रोडक्शन करती है वो मार खाती है। ऐसे में अगर हम बात करें चीन की, तो भारत के आयात का लगभग 14% चीन का हिस्सा रहा है, और जब हमने देखा 2019-20 में हमने आयात कम किए तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी कम हुआ। ऐसे में कई कदम अब उठाए जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि चीन के साथ हमारे सीमाओं पर विवाद चल रहा है, तो हमने बहुत सारी चीजों के आयात को रोक दिया है और बहुत सारी कंपनियां हैं वो अपने सुझाव भी दे रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बिना कमजोर पड़े इन सप्लाइंग नेशन से दूरी बनाना आसान होगा, और चीन जैसे देश के साथ दोनों फ्रंट पर वो लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, अर्थव्यवस्था के जो लड़ाई है और उसको और सीमा की लड़ाई को, दोनों को एकदम साथ मिला के चल के देखने से कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। जी ये ठीक है कि चीन के साथ हमारी जो बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उसके कारण हमने बहुत सारी चीजों को आयात को अभी वर्तमान में इमिडिएटली उस पे रोक लगाई है, जैसे मोबाइल ऐप वगैरह में। लेकिन जो चीन के साथ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो नुकसान हो रहा था उसके उसको रोकने के लिए हम लोग नवंबर 2019 से ही इस तरफ कदम उठा चुके थे। प्रधानमंत्री जी ने आरसेप जो है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, जिसके लिए चीन बहुत ज्यादा उत्सुक था कि वो भारत में साइन हो जाए और वो अपना माल भारत में बेच सके, वो 16 कंट्रीज के साथ हमने आरसेप साइन नहीं किया। जी फिर 10 कंट्रीज आसियान कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसके कारण वहां से बहुत सारा माल जो है चीन का या अलग अलग कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग चीजें हमारे यहाँ डंप हो रही थी उनको हमने रीवर्क करने का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को स्टार्ट कर दिया,
और उसके बाद अभी इस बार बजट में 2019 के बजट में भी सरकार ने पूरा तरीके से प्रयास किया कि जिन जिन सेक्टर्स में एरियाज में जहां पे डंपिंग हो रही थी और लो इंपोर्ट ड्यूटी थी उन एरियाज में लगभग 56 आइटम्स में 8 कैटेगरी में हम लोगों ने इंपोर्ट बढ़ाया। तो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए करंट क्राइसिस के कारण ही सरकार ने स्टेप्स लिया ऐसा नहीं है, ये हम 2019 में नवंबर से यह शुरू कर चुके थे जिससे हमारी इंडस्ट्री मजबूती से ऊपर उभरने लगी थी और उसको उसका लाभ मिल रहा था। अब क्राइसिस हो गई, कुछ और उसमें इजाफा हो गया, कुछ चीजों को और स्ट्रांगली सरकार ने एक्शन ले लिया इमीडिएटली, उसका और फायदा होगा। लेकिन एक चीज और देखना चाहिए कि जो सरकार के पूरे एफर्ट है वह केवल इंपोर्ट बैन करके जो बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करने का प्रयास नहीं है। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन के साथ जोड़ना है। केवल इंपोर्ट बैन करके हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को अच्छा कर लेंगे वह कोई लॉन्ग टर्म में हमारी अर्थव्यवस्था को कोई बहुत लाभ देने वाला ऐसा नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोग कदम उठाते हैं। और जैसे अभी आपने चाइना का प्रश्न पूछा, आज ही मैं देख रहा था रिपोर्ट में कि हमारे चाइना से को जो एक्सपोर्ट है वह बहुत तेजी से बढ़ गए, काफी अच्छे रिपोर्ट आई है कि चाइना के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो यह चाइना को भी बहुत स्पष्ट रूप से मैसेज मिल गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी मिल गया कि हम भारत सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट को भारत के हित में मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और उसका असर दिखने लगा है। जी, इसके अलावा भारत सुरक्षा क्षेत्र के लिए लगभग दूसरे नंबर पर आयात करता है पूरे दुनिया में। वैसे ही 9 अगस्त को रक्षा मंत्री ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक की घोषणा कर दी। ऐसे में जो पी चिदम्बरम जी हैं उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक शब्द जाल सा है और क्योंकि रक्षा उपकरणों का की आयात केवल रक्षा मंत्रालय करता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो स्टेप लिया गया है वो एक ही एस्पेक्ट तक सही है? देखिए, ये जो चिदम्बरम साहब क्या कहते हैं उनको शब्द जाल समझ आता है क्योंकि वो शब्द जाल से ही उनका जीवन बीतता रहा। लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, डिफेंस इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी और बहुत सारा अमाउंट हम लोग बाहर से प्रोक्योर करते थे और वह छोटे छोटे आइटम थे, स्क्रू ड्राइवर से लेके स्क्रू नट बोल्ट तक के एयरफोर्स और एयर इंडिया आर्मी और इधर के आइटम्स जो हैं वो हम लोग इंपोर्ट से करते थे, जो कि इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर भी बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। तो जब हमने पिछले साल दो जगह पे डिफेंस कॉरिडोर बना के की, एक डिफेंस कॉरिडोर की जो योजना सर प्रधानमंत्री ने घोषणा की, तब से हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू कर दिया था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में खासकर एमएसएमई सेक्टर डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन शुरू करे। और अभी जो जो रक्षा मंत्री का 9 अगस्त की घोषणा है वह तो एक तरीके से सोने में सुहागा है कि 101 आइटम्स उन्होंने कम्प्लीटली रिजर्व कर दिए कि वह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको डिफेंस का बहुत बड़ा इंडस्ट्री उनके सामने खुल जाएगा। और उसके पहले भी एक और अनाउंसमेंट हुआ था जिसमें ये कहा था कि नासा और ऐसे जो हमारे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और भी जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमारे हैं वो डिफेंस सेक्टर के लोग उसमें न्यू चीज उसको रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह में हम लोग यूज कर सकते हैं, जब मिसाइल्स वगैरह की टेक्नोलॉजी भी जो हमारे जो ये जो इसरो वगैरह है, इसरो जैसे यूएस में नासा है वैसे हमारे देश में इसरो वगैरह है, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को। तो यह 3-4 लेवल पे सरकार काम कर रही है, एक तो डिफेंस कॉरिडोर के लिए, एक ये जो अभी रक्षा मंत्री ने घोषणा की 101 आइटम्स की रिजर्वेशन की उस पे, और इसरो वगैरह की टेक्नोलॉजी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओपन करना। इससे हमारे डिफेंस इंडस्ट्री में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत फायदा होने वाला है और यह एक बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए नया सेक्टर होगा जहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग तेजी से आगे बढ़ेगी। जी गोपाल जी, यहीं पर मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट की जरूरत है, खासकर एमएसएमई सेक्टर को अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, लेकिन हमने कोरोना काल में जिस तरीके से देखा कि अभी सभी काम ठप पड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे
चीजें बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है, लेकिन ऐसे में ऐसा तो नहीं होगा कि जब तक उद्यमी जो हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं वो जब तक वापस अपने फॉर्म में आने की कोशिश करें उनके पास जो संसाधन है वही खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप आरबीआई की बात आपने शुरू में की, आरबीआई गवर्नर ने लगभग 10 लाख करोड़ का एक पैकेज क्रेडिट का इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट टर्म उसके लिए अनाउंस किया है कि उनको अवेलेबल हो, और वो बहुत इजी टर्म्स पे अवेलेबल है क्रेडिट लार्ज कॉरपोरेट हाउस, मीडियम कॉरपोरेट हाउस को, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम किया है। तीसरी बात है कि ये जो कोविड की जो त्रासदी है उसमें मॉरेटोरियम अनाउंस कर दिया है कि वह जो इस पीरियड में जो इंटरेस्ट वगैरह है वो उनको देने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट को भी रोक लगा दिया है, वो अगर नहीं दे पाते तो उसकी भी छूट दे दी है। चौथी बात है ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के केसेस हैं, 2 साल के लिए सरकार ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के इश्यूज को रोक लगा दी है, एमएसएमई के लिए काफी खासकर इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया है, और अभी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी कामत कमेटी बना दी आरबीआई ने, जो कि लोन के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए नए इनिशिएटिव अनाउंस करेगी, प्रोसीजर अनाउंस करेगी, और साथ में केंद्र सरकार ने अपने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ये जो रेडी वाले पटरी वाले ऐसे लघु उद्योगों के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ की घोषणा की है, एमएसएमई और एनबीएफसी के लिए 4.5 लाख करोड़ के वेरियस स्कीम्स की घोषणा की है, तो इन और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.5 लाख करोड़ की घोषणा की है, तो इन सबसे सारा मिला के मेरे को लगता है कि ये जो 21 लाख करोड़ का पैकेज है यह सारी चीजों की चिंता करता है आत्मनिर्भर भारत के तहत, और इंडस्ट्री को कोई चिंता करने की बात नहीं, रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट की कॉम्पिटिशन से भी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे रहे हैं, लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सब तरीके से, तो मुझे लगता है कि यह सब चीजों से उन्हें फायदा होगा। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है, कोरोना काल में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चीजें उतने सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी इश्यूज है, ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 के जो ग्रोथ रेट होंगे उसमें लगभग 4.5% की कमी आने वाली है, तो हालांकि बहुत सारे ऐसे पैकेजेस गवर्नमेंट दे रही है लेकिन उसको किस तरीके से लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता है लोग सामान्य तरीके से अपनी चीजों को आगे लेकर नहीं आ पाएंगे। देखिए, हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप काफी है, यंग पॉपुलेशन है और एजुकेटेड पॉपुलेशन है, एंटरप्राइजिंग पॉपुलेशन है, उनको अगर सही इकोसिस्टम सरकार देने में सफल होती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारा 3000 साल का लिखित इतिहास है भारत का उसमें से देखें तो 300 साल के इतिहास को छोड़ के उसके पहले 2700 साल के भारत के इतिहास में हम लोग ग्लोबल ट्रेड के लीडर थे, लगभग 27% ग्लोबल ट्रेड भारत कंट्रोल करता था, भारत के लोग कंट्रोल करते थे, तो हमारे यहाँ ग्लोबल ट्रेड में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत मजबूती से हम लोगों ने काम किया। 300 साल का ये इतिहास छोड़ दें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छी तरह से तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं। जी, और इस कोविड टाइम में प्रधानमंत्री ने असीम योजना के तहत रोजगार देने की बात कही, उन्होंने जी हाँ बोलिए, कोविड टाइम में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने असीम योजना के तहत रोजगार देने की बात कही, उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 14 से 21 अगस्त के बीच लगभग 7 लोगों ने आवेदन भरा था जिसमें से केवल लगभग 700 लोगों को ही नौकरियां मिल पाई है, तो ऐसे में ये जो अवसर है और जो बेरोजगार है इनके बीच जो कम दूरी बनी हुई है, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं वो कैसे हम खत्म कर पाएंगे? देखिए, अभी रोजगार की समस्या है मैं मानता हूँ, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, तभी हमें मनरेगा का जो फंड है वह लगभग 61,00,000 करोड़ को बढ़ा के 1,00,000 करोड़ किया है, क्योंकि बहुत सारा माइग्रेशन लेबर है जो अलग अलग इंडस्ट्री में और जगह एम्प्लॉयड था, उसको उसका रोजगार की समस्या आई तो वह अपनी जगह को छोड़ के वापिस गाँव में गया, तो उसको टेम्पररी गाँव में उसके लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार ने मनरेगा के तहत करी है, लेकिन बहुत सारा लेबर अब वापस आने लगा है, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट की जो देश की समस्या है वह ना मनरेगा से समाप्त होगी ना
नो एम्प्लॉयमेंट बोनस देने से समाप्त होगी। उसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि हमारी जो पूरी उद्योग जगत है, इकोनॉमिक साइकिल जो है वो रिवाइटलाइज हो, रिसाइकल हो, रिस्टार्ट हो। तो उसके लिए सरकार पूरी, जितने भी मैंने आपको अभी सारे उपाय बताए, वो इसलिए कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो सारी एमएसएमई, एनबीएफसी, छोटे छोटे उद्योग, रिटेल ट्रेड, इन सब के लिए तेजी से उसमें रिसाइकल करके उसको स्टार्ट होगा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आएगी और उसी से रोजगार आएगा। वही हमारा फोकस भी है। टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए हम लोग गरीब कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अंतर्गत सभी लोगों को, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, उनके खाते में सीधा पैसा कोविड की त्रासदी से बचने के लिए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका अर्थव्यवस्था में वापस तेजी आने से ही उसका समाधान है। जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए तो सरकार काफी कुछ कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से हम अभी इस वक्त किसानों की मदद कर सकते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार बारिश अच्छी हुई है, और अगर सरकार ने एपीएमसी जैसे महत्वपूर्ण एक्ट जो कई सालों सालों से, दशकों से पड़े हुए थे, उन चीजों में, एपीएमसी एक्ट जैसी चीजों में बदलाव किया है, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स वाले जो कंप्लीट सप्लाई चेन जिसको कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें सरकार का नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेके आ रही है ताकि पूरी कनेक्टिविटी रहे, किसान लोग अपना माल पूरी तरह से अलग अलग जगह मार्केट में बेच सके। ई मार्केट की फैसिलिटी सरकार लेके आई है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रेट्स को कई कई आइटम्स में सरकार बढ़ा चुकी है, और लगभग 1.5 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने एफपीओ और एग्रीगेटर के माध्यम से कृषि क्षेत्र में, रूरल इकोनॉमी में वापस तेजी लाने के लिए सरकार ने आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है, और इसी कारण अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सारे रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी हमारे देश में वापस, जबकि बाकी इकोनॉमी में गिरावट आ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वह आने वाले समय में सरकार जानती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक हिसाब से इकोनॉमी के लिए ड्राइवर के रूप में काम करेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, इन दोनों पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीजें बताई जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि लोग चिंता ना करें, प्रधानमंत्री और हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से तेजी से आगे बढ़े, और जो भी समस्या आती है उसका समाधान के लिए वित्त मंत्री और पूरे कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर और पार्टी और पूरा सरकार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे काम कर रही है, और हम ही नहीं पूरा विश्व इस बात को मान के चल रहा है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। मुझे लगता है कि इस विश्वास के साथ सभी को काम करना पड़ेगा, तो सबके मेहनत से यह चीज सफल होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी।